हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार विधानसभा में अब पति और पत्नी की जोड़ी देखने को मिलेगी। इससे पहले पिता पुत्र की जोड़ी देखने को मिली थी। पिता पुत्र में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और उनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह विधानसभा में एक साथ बैठे थे, लेकिन अब पति पत्नी की जोड़ी विधानसभा में एक साथ बैठेगी। इसमें शामिल है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर। दरअसल हाल ही में हुए उपचुनाव में जो परिणाम सामने आए, उसमें जिला कांगड़ा की देहरा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर विजयी होकर आई है। अब इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि दो पति पत्नी एक साथ विधानसभा में बैठेंगे। इससे पहले ऐसा कभी भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में देखने को नहीं मिला है। ये जो पूरा मामला है, किस तरह से कमलेश ठाकुर ने चुनाव जीता, क्यों ये तीन उपचुनाव हुए, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आप सभी के बीच में रखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो प्रकरण है वो शुरू होता है 27 फरवरी से। केवल तीन नहीं, हिमाचल प्रदेश में उससे पहले 6 और उपचुनाव भी हुए थे जो लोकसभा चुनाव के साथ में हुए थे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 9 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, लेकिन इसमें 6 उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए और 3 उपचुनाव 10 जुलाई को हुए। अब इसमें पूरा प्रकरण इस तरह से है कि 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग होनी थी और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस वोटिंग को अरेंज किया गया। सबसे पहले तो ये था कि कांग्रेस को लग रहा था कि भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं देगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 40 कांग्रेस की सीटें थी और उस समय पर 25 भाजपा की सीटें थी और 3 निर्दलीय विधायक उस समय विधानसभा में थे। तो यहाँ पर कांग्रेस को शुरुआती दौर में ये लग रहा था कि भाजपा अपना कैंडिडेट नहीं देगी, लेकिन भाजपा ने कैंडिडेट दिया। कैंडिडेट थे कांग्रेस से भाजपा में आए हर्ष महाजन, एक सीनियर लीडर रहे हैं और राजा परिवार के बहुत नज़दीक। राजा परिवार से हमारा तात्पर्य है वीरभद्र सिंह परिवार के बहुत ही करीबी रहे हैं। वो भाजपा में शामिल हो गए थे और उसके बाद भाजपा ने उन्हें राज्यसभा के लिए जो है प्रत्याशी भी बनाया। हालांकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में केवल 25 विधायक भाजपा के थे। 25 विधायक होने के बावजूद भी 27 फरवरी को जो वोटिंग हुई उसमें कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, वहीं 3 जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भी भाजपा के पक्ष में वोट किया। अब आंकड़ा बराबरी पर था, आंकड़ा था 34-34 का। इसके बाद टाई हुआ, टाई होने के बाद हर्ष महाजन यहां पर विजयी हुए, यानी भाजपा के प्रत्याशी जीत गए। अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो इस चुनाव को हार गए। अब यहां से प्रकरण शुरू हुआ, 6 जो कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, इसके बाद उन पर कार्यवाही हुई कई चीज़ों को लेकर, ये कई अन्य टेक्निकल चीज़ें इसमें रही थी। इसके बाद इन 6 जो विधायक थे कांग्रेस के, उनकी यहाँ पर जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया गया था। सदस्यता रद्द होने के बाद हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ अन्य जो 6 उपचुनाव हैं हुए थे, जिनका हमने जिक्र पहले किया था। इस बीच क्या हुआ कि जो अन्य तीन विधायक थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया और सभी 9 विधायक, यानी 3 निर्दलीय विधायक, 6 कांग्रेस से बाकी हुए विधायक, ये सभी भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। यहाँ पर ये जो विधायक थे, 3 निर्दलीय विधायक थे, ये धरने पर भी बैठे, इसके बावजूद भी इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सुनवाई भी रखी, लेकिन जो ये 3 निर्दलीय विधायक थे उन सुनवाई में नहीं पहुंच रहे थे या अन्य कई कारण इसमें रहे थे। इसके बाद 1 जून को लोकसभा की 4 सीटें और 6 उपचुनाव, 6 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव होने थे उस पर वोटिंग हुई। और इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने 3 जो निर्दलीय विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जो भाजपा में शामिल हो गए थे, उन 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। परिणाम 4 जून को आए, परिणामों में 4 जो लोकसभा सीटें थी वो भाजपा के पक्ष में गई, वहीं 6 जो उपचुनाव हुए, 6 उपचुनाव में से 4 विधानसभा की जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आई, 2 भाजपा के पक्ष में गई। इसके बाद जो अन्य विधायक थे, यानी 3 निर्दलीय विधायकों ने जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो जो भाजपा में शामिल हो गए थे, इसके बाद नोटिफिकेशन होती है कि 10 जुलाई को इन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 सीटें इनमें थी, नालागढ़, देहरा और हमीरपुर, इन 3 सीटों पर उपचुनाव होने थे और इन 3 उपचुनाव में भाजपा की ओर से प्रत्याशी वही 3 निर्दलीय विधायक थे जो भाजपा में शामिल हुए थे, जिस समय कांग्रेस के 6 बागी विधायक भी भाजपा में शामिल हुए थे। इनमें होशियार सिंह, आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर, इन 3 का नाम था। भाजपा की टिकट पर ये 3 चुनाव लड़े, वहीं कांग्रेस की टिकट पर देहरा से कमलेश ठाकुर को यहाँ से टिकट दिया गया। अन्य 2 पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि खासतौर पर हम कमलेश ठाकुर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। देहरा से
कमलेश ठाकुर को टिकट दिया गया। अटकलें उस समय लग रही थी कि क्या मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है वो चुनाव जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, ये इस बीच में कई अटकलें रही। 14 जुलाई को जो परिणाम आए उसमें कमलेश ठाकुर विजयी हुई, कांग्रेस को 3 में से 2 सीटें मिली, 1 सीट भाजपा को गई, हमीरपुर वाली सीट। तो यहाँ पर कमलेश ठाकुर जो है वो विधानसभा में पहुंची। आज कमलेश ठाकुर ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली है, इसलिए आज इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और ये इतिहास में अब दर्ज हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली बार जो पति पत्नी बैठने वाले थे वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जो देहरा से उपचुनाव में विजयी होकर आई थी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए देखते रहे इन्फो। धन्यवाद।